गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ट्राई ऑन ज़िवामे हॉल शेयर करने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद ज़िवामे। सो ज़िवामे इज गोइंग टू स्टार्ट देयर SOS सेल, दैट मीन्स सेंट ऑफ सीजन सेल, विच विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ डिसम्बर एट 8 PM, वेर यू कैन गेट प्रोडक्ट्स अप टू 70% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। सो इट्स योर लास्ट चांस टू गेट योर हैंड्स ऑन ज़िवामेज बेस्ट कलेक्शन ऑफ द ईयर विद ईजी 15 days रिटर्न एक्सचेंज एंड कैश एंड डिलीवरी ऑप्शन। सो देर इज नो बेटर टाइम देन नाउ टू शॉप फ्रॉम ज़िवामे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द मेन वीडियो। तो ये वाला जो वीडियो है, दिस इज नॉट माई फर्स्ट कोलैबोरेशन विद ज़िवामे। मैं ऑलरेडी दो से तीन वीडियो कर चुकी हूँ कोलैबोरेशन में। तो जो मेरे पहले वीडियोस थे वो मोस्टली मेरे नाइट सूट से लेकर के होते थे, मैं किस तरह के नाइट सूट्स परचेस करती हूँ एंड ऑल, ये सारा कलेक्शन रहता था। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ नाइट सूट्स जो है ज़िवामे से परचेस कर चुकी हूँ। सो दिस टाइम मैंने नाइट सूट्स से हट करके थोड़ी सी चीज़ें परचेस करी हैं। एक नाइट सूट मैंने अभी भी परचेस किया है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद क्या क्या चीज़ें मैंने लिया है आई डेफिनेटली गोइंग टू शो यू। तो सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है नाइट सूट, और लाइट ब्लू स्काई कलर का नाइट सूट है ये, एंड वेरी प्रिटी प्रिंट्स। इनके जो भी नाइट सूट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और इतने कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, इतना सॉफ्ट मटेरियल होता है। घर पे यूजुअली हमको इसी तरह के कपड़े पहनना होता है, मतलब ये नाइट सूट्स इतने कंफर्टेबल होते हैं कि मैं जब शूट नहीं कर रही होती हूँ दिन भर मैं इनके नाइट सूट्स पहन करके ही घूमती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, एंड ये है इतना प्रिटी कलर है स्काई ब्लू कलर का। मैंने जितने भी प्रिटी प्रिटी कलर्स इनके नाइट सूट्स के हैं वो ऑलमोस्ट सारे कलर्स मैं ले चुकी हूँ। सो दिस इज़ द कलर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं इसका प्रिंट आपको पास से बताती हूँ, और केपरी स्टाइल में है। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो है ये, तो दिस इज अ टमी टकर शॉर्ट्स आप बोल सकते हैं। तो यूजुअली यू नो मेरी, मैं ज़्यादा ऐसे बल्की तरफ बल्की बॉडी या साइड नहीं हूँ, बट स्टिल छोटी थोड़ी सी टमी जो होती है वो आई थिंक सबकी होती है, और ये आपको तब पता चलती है जब आप कोई बॉडीकॉन ड्रेस पहनते हो। तो कुछ ड्रेसेस में आई थिंक आपको इस तरह का जो बॉडी शेपर होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है, तो जो आपका जो बल्जीनेस होता है टमी के साइड से वो दिखता नहीं है, और बहुत ही अच्छा परफेक्ट शेप आता है आपकी बॉडी का। एंड दिस इज सो कम्फर्टेबल, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, इतना स्ट्रेची है और इतना कम्फर्टेबल है, और ये बिल्कुल आपकी बॉडी को इस तरह से हक कर लेता है, एकदम आपकी बॉडी की सेकेंड स्किन लगती है ये, लगता ही नहीं है कि कुछ पहना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसमें ब्रीथ कर सकते हो। जनरली जो बहुत ज़्यादा स्किन टाइट चीज़ें होती हैं उसको पहनने के बाद मेरे पास और भी इस तरह के टमी टकर्स हैं जिसको मैं लिटरली एक घंटा पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सांस नहीं ले पाऊँगी, मतलब मुझे एकदम यहाँ तक मेरी सांस आ जाती है। सो दिस इज़ नॉट लाइक दैट, आप बहुत ही ब्रीदेबल मटेरियल है ये, और इसकी स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं यहाँ पर एक ड्रेस का इमेज डाल दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बॉडी, जब आप टमी टकर पहनते हैं तो आपकी बॉडी में एक अच्छा सा डिफरेंस आता है, और ये बहुत अच्छा इल्यूशन देता है आपकी ड्रेस को। तो ये है मेरा सेकेंड परचेज एंड आई रियली लाइक दिस एज वेल। उसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो है ये, तो ये एक्चुअली यू नो आप ये बोल सकते हो जिम टाइप का टॉप है, दिस इज लाइक अ जिमिंग टॉप, और डांस वगैरह आप करते हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे को साइज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा एस साइज जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी हगिंग वाला ना हो, और मुझे ज़्यादा बॉडी हगिंग वाले एक्सरसाइज जिमिंग रनिंग या डांसिंग करते टाइम बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं कपड़े, तो मुझे लगा उतना ज़्यादा लूज ना हो, मतलब टाइट ना हो, दैट्स वाई मैंने एम ऑर्डर कर दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली जो एम है ये मुझे काफ़ी लूज़ है, थोड़ा बहुत भी नहीं काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, तो उसका कोई इशू नहीं है, बहुत ईजिली रिटर्न और एक्सचेंज हो जाता है इसमें, तो ये मैं रिटर्न करवाऊंगी। और बट ये दिखने में बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, क्वालिटी में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट परचेज है वो है ये स्पोर्ट्स ब्रा। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने इन लोगों से स्पोर्ट्स ब्रा मंगवाई है, एंड ट्रस्ट मी इसको पहनने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। उसके बाद ये इतनी परफेक्ट फिटिंग वाली है कि आप इसको इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन वेयर इट लाइक विदाउट टी शर्ट एज वेल।
आप इसको अकेला पहन करके भी वर्कआउट कर सकते हैं। इसकी लेंथ काफी है, जो दिख रहा है आपको लेसेस वगैरह, तो ये काफी नीचे तक आती है, तो इट्स लाइक आप इसको अगर कंफर्टेबल है पहनने में तो आप अकेले पहन करके भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं। एंड वेरी स्टाइलिश, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें ये जो पैटर्न होता है ना पीछे का, तो आप जो टैंक टॉप्स पहनते हैं आप उसके अंदर भी इनको कैरी कर सकते हैं। मतलब आप इसको वर्कआउट के टाइम तो पहन ही सकते हैं, बट आप इसको इवन जब भी आप टैंक टॉप्स पहनते हैं तो उसके साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो मैं इसको दो तरह से यूज करूंगी, डेफिनेटली मैं वर्कआउट के टाइम पे, डांस के टाइम पे तो इसको पहनूंगी, बट जब भी मेरे को टैंक टॉप पहनना होगा तो मैं ये जरूर कैरी करूंगी, बिकॉज ये कंफर्टेबल, स्पोर्टी एंड काफी अच्छा सा लुक दे रहा था ये। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने परचेस करी है वो ये मरून कलर ब्रा मैंने परचेस किया है। एंड यू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये सब कभी भी ऑनलाइन परचेस नहीं करती थी पहले। मैं जनरली ब्रांड से जा करके बहुत एक्सपेंसिव लेकर के आती थी, लिटरली बहुत एक्सपेंसिव लेकर के आती थी, और वो भी कई बार ऐसा होता था कि आप 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं पहन सकते हो क्योंकि आपको अनकम्फर्टेबल लगने लगता है। बट मैं लिटरली इस बार जो भी मैंने मंगवाया है उन सबकी मैं फ़ैन हो गई हूँ। जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे ये जो 3 पैटर्न क्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ट्राई ज़रूर करना, यू विल गोइंग टू लव इट, लिटरली यू विल गोइंग टू लव इट। तो ये टी शर्ट काइंड ऑफ अ ब्रा है और द सपोर्ट इट गिव्स इज अमेजिंग, जो फिट ये देता है वो बहुत अमेजिंग है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज वायरलेस, वायर फ्री है ये, परफेक्ट अमाउंट ऑफ पैडिंग इसके अंदर दी हुई है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो यू नो, आप समर्स में भी कैरी कर सकते हैं, ह्यूमिड वेदर में भी कैरी कर सकते हैं। द मटेरियल इज वेरी वेरी सॉफ्ट, और मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी जो मैं 3 आपको बताने वाली हूँ ये मैं 12 घंटे के ऊपर भी आई कैन कैरी। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है, दिस इज अगेन अ टी शर्ट ब्रा एंड इट लुक्स सुपर प्रिटी, लाइक इट इज जस्ट लुकिंग वेरी क्यूट। एंड दिस अगेन इज अ वायर फ्री, आई लिटरली डोंट लाइक टू वेयर दैट वायर्ड वाला ब्रास बिकॉज आई गेट सो अनकम्फर्टेबल विद दैट। मतलब 3-4 आवर्स के बाद से मुझे बहुत इरिटेशन सा होने लगता है, सो दैट्स वाई आई प्रिफर वायर फ्री। एंड दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट ब्रास फॉर योर यू नो डे टू डे वेयर, ऑफिस वेयर, या आप नॉर्मली फैंसी ड्रेसेस भी पहनना चाहते हैं तो आप उसमें बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं, और आप इसको घंटों पहन के बैठ सकते हैं, 10-12 घंटे आप आराम से पहन के बैठ सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कम्फर्टेबल, आई हाईली रिकमेंड यू दिस एज वेल। नेक्स्ट इज, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स, आई एम नॉट अ फैन ऑफ अ पुशअप ब्रास, अभी तक का मेरा पुशअप ब्रास का एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट गुड। इवन आई ट्राइड वेरी गुड ब्रांड्स एज वेल, बट माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज आई गॉट रैशेज फ्रॉम दैट, आई गॉट स्ट्रैप बाइट्स एज वेल, सो यू नो बहुत बहुत ही अनकम्फर्टेबल होती है। मैंने बहुत एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ब्रांड्स और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स सब ट्राई कर चुकी हूँ मैं, मेरा सबका एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है कि 3 max to max 4 hours, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आप नहीं कैरी कर सकते हो। बट I bought this one. This is Zivame Marshmallow Padded Wired Push-Up Bra. And trust me, this is one of the best purchase till now. जब से मैंने पहनना स्टार्ट किया है या जब से मैंने लेना स्टार्ट किया है तब से till now this is one of the best purchase I have ever made. And I'm super happy with this. ये wired होके भी आपको wired नहीं लगती है and it gives you परफेक्ट अमाउंट ऑफ कवरेज जो देना चाहिए एंड परफेक्ट अमाउंट ऑफ लिफ्ट जो देना चाहिए, और दिस इज सो कम्फर्टेबल। एंड इसका कलर भी ऐसा है कि हर तरह की ड्रेस में लाइट कलर, डार्क कलर सबके ऊपर चलेगा। तो ये जो तीनों मैंने आपको बताई है, ब्लू वाली और ग्रे वाली और ये ब्राउन वाली, दीज आर माई फेवरेट, मतलब अनकम्पेरेबल है ये। एंड बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड आउट योर साइज when it comes to bras or anything, यहाँ पर साइज चार्ट दिया हुआ है Zivame में, sizes पता करना बहुत ही ईजी है। आप अपने sizes option में जाइए और यहाँ पर साइज चार्ट दिया रहता है, उस साइज चार्ट पे क्लिक करिए। साइज चार्ट दिया रहता है कि 28 ए कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक का होता है, 28 बी कितना होता है, 34 ए कितना होता है, 34 बी कितना होता है। अभी आपको ये साइजेस भी अगर आपका नहीं पता है ना, तो Zivame में ब्रा साइज कैलकुलेटर दिया होता है, आप उसको क्लिक करिए, एक छोटा सा डेमो होता है, आपके खुद एक मेजरिंग टेप लेकर के आप बैठ जाइए, अपना मेजरमेंट देखिए, क्लिक करिए और आपको आपका जो साइज है वो बहुत क्लियरली पता चल जाता है। तो इसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इनके ऐप में दिया हुआ है, विच आई रियली लाइक इट, क्योंकि ऑनलाइन लेने में साइजेस वैरी करता है कभी कभी, सो यू नो आपको बहुत ईजिली आपका साइज पता चल जाएगा। सो दिस इज माई परचेस, मेरा जो कूपन कोड है वो स्क्रीन पे चल रहा है, तो अगर आप मेरा ये कूपन कोड यूज करेंगे सो यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।